आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर करेक्टर्स की कुछ टाइप्स होती हैं कि किस किस तरह से करते होंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है चांद, ये कहता है कि हमने एक ऐसी चीज को यहाँ पे शो किया पिक्टोग्राफिक से, एक ऐसी चीज को यहाँ पे शो किया जो हमें किसने बताया था कि यार एक पहाड़ होता है वो किस तरह का होता है भाई, मिडिल पॉइंट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और साइडें जो होती हैं वो उसके नीचे होती हैं। अब उसने क्या किया, इसकी एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना दी। पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेगी, अब ये लोगों को समझने में ईज हो जाएगी, लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई ये क्या चीज़ है। आपने बस बताना है जाके भाई पहाड़ जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब पहाड़ जब इस तरह से दिखता है इसकी पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यही होगी। उसके बाद आ जाता है दूसरा वर्ड जो है चोंग, ZHONG, इसको चोंग बोलते हैं। ZH जो है वो चे की आवाज़ देता है। अभी मैं आपको आगे जाके साउंड्स भी करवाऊंगा, जो इनिशियल साउंड्स होते हैं कोई भी करेक्टर आप शुरू करते हैं या किसी भी करेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी करेक्टर को आप जब बोलने लगते हैं तो उस करेक्टर के साउंड जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, उसके इनिशियल्स जो हैं वो किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो एक अच्छे वे में आपके रिप्रेजेंट होंगे। अब वो क्या कहता है, रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ मिडल सेंटर, यानी कि इसने एक पिक्चर एक बनाई जिसमें ये रिप्रेजेंट किया गया कि किसी चीज के मिडल के अंदर कोई चीज मौजूद है, कोई चीज ऐसी है जिसके मिडल पॉइंट पे कोई भी चीज मौजूद है, उसको यहां से रिप्रेजेंट उसने कर दिया। उसके बाद है हमारे पास हाउ। हाउ अभी हम लोगों ने देखा कि एक माँ थी जिसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था, वो बच्चा और माँ जो हैं वो एक अच्छे की अलामत शो कर रहे थे, तो हाउ उससे रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक मैंने आपको पहले भी डिटेल के अंदर बताया, अभी दोबारा देख लें। जो पिक्चर्स होती हैं जो आपने चीज देखी होती है उससे आप एनालाइज करके उससे आप देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीज है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। इसको अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कौन सी पिक्चर जो है उसको क्या शो करते हैं, क्या कहते हैं उसको। सबसे पहली पिक्चर पिक्टोग्राफिक के अंदर सबसे पहली पिक्चर हमारे पास जो है एक बॉक्स बना हुआ है, हम देख सकते हैं ये हाथ का बना हुआ बॉक्स है। ये किसी को नहीं पता था कि ये बॉक्स फुल आपका फुल फ्लेज 2x2 और या 4x4 इस तरह का होना चाहिए था, उसको जिस तरह की समझ आई उसने बना दिया। तो उसने उसको रिप्रेजेंट किससे किया, माउथ से। उसने देखा कि यार मुंह है, मुंह से हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, मुंह जो है उसका एक हॉल बना हुआ है, हमारे जो लिप्स हैं उससे एक हॉल बना हुआ है। उसने एक हॉल यहाँ पे शो कर दिया जो किसको शो कर रहा था, हमारे माउथ को शो कर रहा था। उसके बाद आता है हमारे पर रिवर। अब हम सबको पता है, हम सब ने देखा हुआ है कि रिवर जो है वो कभी कहीं से रास्ता बनाता है और कभी कहीं से रास्ता बनाता है, इसका रास्ता चेंज होता रहता है, इसका रास्ता चेंज होता रहता है। और उसने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि जिस इंसान ने ये रिवर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई, उस इंसान ने जोन से रिवर के ऊपर खड़े होकर बनाई, वो इस साइड से राइट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा हो और लेफ्ट साइड से कोई ये इधर से कहीं से आ रहा हो और पानी की डायरेक्शन। उसके बाद फील्ड, फील्ड हमारे पास मुख्तलिफ, फील्ड से मुराद ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग मिलके काम कर रहे हों या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा हो, उसको हम फील्ड बोल देते हैं। फील्ड को उसने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि फील्ड के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, कि एक पार्ट के अंदर कुछ और काम हो रहा होगा, दूसरे पार्ट के अंदर कुछ और काम हो रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर हम
किसी सिविल की फील्ड के अंदर चले जाते हैं, कहीं पे हम कहते हैं कि भाई सड़क के ऊपर लुक पड़ रही है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो कहीं पे पेंट किया जा रहा है, कहीं पे लाइनिंग की जा रही है, कहीं पे मुख्तलिफ काम हो रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारे जो सारे काम हैं इनको हम शो कर रहे हैं इससे। अब आगे आ गया ट्री। ट्री हम लोगों को पता है, हमने देखा हुआ है ट्री की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है, दरख्त किस तरह का हमें शो होता है। हम जो बुक्स में भी पढ़ते आए हैं कुछ इसी तरह की पिक्चर बनी होती थी, तो उसने एक दरख्त देखा, दरख्त देखने के बाद उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना दी। ये हो गया क्लियर हमको कि भाई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होती है, किस तरह से उन्होंने बनाई थी, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आती है आइडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। आइडियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि भाई मुझे जो आइडिया हुआ मैंने उसको बिल्ड कर दिया, मैंने उसको बना दिया, बनाने के बाद मैंने शो कर दिया। अब ये मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं हमारे पास, ये साइंस हैं मुख्तलिफ किस्म के। हम देख लेते हैं कि ये कौन सा साइन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली जो लाइन है वो इस्तेमाल किया जाता है वन के लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मीटिंग जो है वो 10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी। आप सेम लिंक को यूज़ करके दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स जी। तो मैं आपको बता रहा था आइडियोग्राफिक। आइडियोग्राफिक के अंदर सबसे पहली पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद टू है, टू में उसने दो लाइंस लगा दी। थ्री है, थ्री में तीन लाइनें उसने लगा दी। अबव, अबव का मतलब है कि ऊपर एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन के ऊपर कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ख़ास चीज़ के बारे में बताया गया, कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ये एक नीचे लाइन लगी हुई है, इस लाइन के ऊपर वो कहता है कोई चीज़ है। बिलो, बिलो का मतलब भाई एक लाइन लगी हुई है उसके नीचे कोई चीज़ है। मिडल, मिडल को उसने शो कर दिया, जैसे हमने पहले देखा है सेंटर और वो चीज़ें देखी हैं, वो मिडल उसी को शो कर रहा, ठीक हो गया। उसके बाद कंपाउंड, जो पिक्टोग्राफिक और कंपाउंड आइडियोग्राफिक, कंपाउंड का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाएं, मिलाने के बाद उन पे कोई चीज़ ऐसी आपको शो आ जाए कि आप उससे एक नया मीनिंग बना सकें। दो या दो से ज़्यादा जितनी मर्जी चीज़ें हों उनको आपस में कंबाइन करें, कंबाइन करने के बाद एक नई चीज़ आपके पास बन जाए। अब देखें, हमने ये जो एक विंडो टाइप बनी हुई है, इस विंडो टाइप को हमने पढ़ा था कि इसको फील्ड बोलते हैं। फील्ड का मुराद क्या लिया था हमने कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, डिफरेंट वर्किंग की जा रही है उसमें फील्ड है, या फील्ड एक ऐसी जगह हमने देखा था जहाँ पे काम किया जाता है, किसी भी चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है उसको हम फील्ड बोल देते हैं। उसके बाद हम उसको प्लस करते हैं ट्री के साथ। जब हम उसको ट्री के साथ प्लस करते हैं तो हमारे पास एक पिक्चर बन जाती है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये पिक्चर जो बन रही है, कंबाइन आइडियोग्राम जो बन रही है यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसको उसने फ्रूट का नाम दिया कि भाई एक ट्री है, उस ट्री की जो बुनियाद होती है, बुनियाद के ऊपर एक फील्ड होती है। वो फील्ड क्या काम करती है, प्रोडक्शन कर रही होती है। किस चीज़ की प्रोडक्शन कर रही होती है, फ्रूट्स की प्रोडक्शन कर रही होती है। किसी भी दरख्त के ऊपर जो फील्ड है वो प्रोडक्शन कर रही होती है। दरख्त जब छोटा होता है उसके ऊपर फील्ड नहीं होती, जब से उसके ऊपर फूल आने शुरू होते हैं तब से उसकी फील्ड जो है वो बन जाती है और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सिमेंटिक। सिमेंटिक के अंदर क्या होता है, आपके पास करेक्टर्स में से कोई चीज़ मौजूद थी, करेक्टर्स की कोई भी चीज़ मौजूद थी, आपने उन करेक्टर्स को क्या किया, कंबाइन कर दिया, कुछ दो करेक्टर्स हमारे पास मौजूद थे हमने उनको कंबाइन कर दिया, जिसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन भी थी
और उसका मीनिंग भी था, वो कंबाइन करके एक नया करेक्टर्स आपके पास बन जाता है कोई भी, जो मतलब एक आपको शो कर देता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिमेंटिक की एग्जांपल्स मौजूद हैं। सिमेंटिक की एग्जांपल्स क्या हैं यहाँ पे? वो कहता है प्लांट, प्लांट को उसने शो किया एक रिप्रेजेंटेशन से, एक लाइन लगी हुई है उसके ऊपर, दो लाइंस उसने लगा दी। फिर उसने क्या किया, इस प्लांट को और साय, साय का मतलब फूड भी होता है, साय का मतलब वेजिटेबल भी होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। साय का मतलब जो इसकी ये आपको नजर आ रही होगी, ये टोन लगी हुई है, ए के ऊपर एक टोन लगी हुई है, इस टोन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अब उसने क्या किया, इन दोनों पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स बनाए गए थे, इनको आपस में कंबाइन कर दिया। जब उन्होंने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई ये एक वेजिटेबल का पौधा है या वेजिटेबल का जो प्लांट होता है जहाँ से वेजिटेबल प्रोड्यूस हो रही होती, ये वो कहलाया। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को चेंज क्यों किया गया? चेंज इस वजह से किया गया कि चाइना से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जिनको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, किस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हानियों का मतलब मैंने आपको बताया था, चाइनीज लैंग्वेज होती है और पिनियन जो है वो उसकी टाइप है, जो उनसे टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, जो उनसे टाइप हम सीखने जा रहे हैं, तो वो 1958 के अंदर लॉन्च की गई थी। 1958 के अंदर ये लॉन्च इस वजह से की गई कि लोग अंडरस्टैंड कर सकें, चाइनीज बाहर के लोगों के साथ बात कर सकें, बाहर के लोग चाइनीज के साथ बात कर सकें, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इससे आपके इकोनॉमिक इफेक्ट भी होते हैं कि इकोनॉमी लेवल आपका अपग्रेड होता है। जाहिर सी बात है, जब बाहर से लोग आएंगे आपके मुल्क के अंदर और आपकी लैंग्वेज जानते होंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी कि उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनको किस तरह से चीज़ के बारे में समझाना है, उनको कैसे आप बताएंगे कि भाई ये चीज़ फलां चीज़ इतने की है, 2 रुपये की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, किस तरह से आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो 1958 के अंदर इस चीज़ को महसूस किया गया कि भाई लिटरेसी रेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा जिस सिस्टम के साथ आप लोगों को इजीली चाइनीज लैंग्वेज समझा सकें, वरना जैसे पहले काम चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा जी। तो फिनियन, फिनियन क्या चीज़ है? फिनियन दो लफ्जों से मिलकर बना है, फिन और यिन। फिन से क्या मुराद है? स्पेल। और यिन से क्या मुराद है? साउंड। तो उसके स्पेल क्या होंगे, उसमें कौन कौन से अल्फाबेट्स यूज होंगे, उसको फिन बोलते हैं। उसके बाद आता है यिन। यिन का मतलब होता है कि उसको बोलते किस तरह से हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, आपकी साउंड क्या होगी, आप किस तरह से उसको प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ से आपका वॉइस लेवल अप जाना है, कहाँ पे आपका वॉइस लेवल डाउन जाना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। उसके बाद वो कहता है कि फिनियन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जाहिर सी बात है, फिनियन में अगर स्पेल आते हैं और साउंड आते हैं, इसके अंदर कोई पार्ट्स होंगे जिन पार्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है, और उसको समझना ज़रूरी है ताकि हम फिनियन समझ सकें। सबसे पहले इनिशियल्स, इनिशियल्स क्या होते हैं, टोन्स, टोन्स क्या होती हैं, फाइनल्स, फाइनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल्स के ऊपर। इनिशियल्स जो होते हैं वो किसी भी वर्ड का, किसी भी करेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कि आप जहाँ से किसी वर्ड को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से किसी भी आप करेक्टर को स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस करने के लिए, उसको आप इनिशियल बोलते हैं। आप लिखने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोनाउंस करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक किसी भी इनिशियल लेवल से स्टार्ट होगा। उसके बाद आ जाता है टोन। इसकी टोन क्या होगी, मतलब कि जैसे हम कहेंगे भाई आप, कोई बंदा अगर गुस्से में बात कर रहा है किसी के साथ, तो हम कहेंगे भाई अपनी टोन चेक करो, आप बहुत ऊंची बोल रहे हो,
गुस्से में जाहिर सी बात है इंसान ऊंची आवाज से बात कर रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई आप बहुत ऊंची बोल रहे हो, तो आप आहिस्ता बोलो, अपनी टोन चेक करो किस लहजे में आप बात कर रहे हो। उसके बाद फाइनल्स, फाइनल जो होते हैं एंड पॉइंट होता है किसी भी चीज का। चाइनीज लैंग्वेज के अंदर फाइनल जो होता है वो आपका एंड होता है किसी भी करेक्टर का, किसी भी वर्ड का, कहाँ पे ये वर्ड खत्म होगा। ये हो गया पिनियन के पार्ट्स, इनिशियल, टोन और फाइनल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई ओपिनियन कोई चीज़ होती है, ओपिनियन क्या होती है, वो किस तरह से बनी, और ओपिनियन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कुछ इनिशियल्स हैं हमारे पास, उस इनिशियल्स को किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। आपने चाइनीज लैंग्वेज जब बोलनी है, चाइनीज लैंग्वेज बोलने से पहले हमें कुछ ओपिनियंस इनिशियल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ओपिनियन जो इनिशियल्स हैं वो क्या हैं, उनके साउंड क्या हैं। मैं एक एक करके आपको बोल के बता देता हूँ कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे उर्दू के अंदर भी लिख दिया है, उर्दू के अंदर प्रोनाउंसिएशन लिख दी है ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाए आपके लिए। आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम ना पेश आए, इसलिए सबसे पहले हमारे पास है बी। इंग्लिश के अंदर इसको बी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज के अंदर इसका जो साउंड है उसको बोला जाता है पो पो। मैं एक दफा फिर बोल देता हूँ, बी बी को हम बोलते हैं पो पो। ये इनिशियल्स जो हैं वो सारे जितने भी करेक्टर्स हम लिखेंगे, जितने भी वर्ड्स हम लिखेंगे, उनके जो इनिशियल्स हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस तरह से स्टार्ट होगा, फर्स्ट साउंड उसका क्या होगा। जिस तरह से इंग्लिश के अंदर साउंड होता है, ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, इसी तरह से यहाँ पे साउंड्स हैं। बी को बोलेंगे पो। फिर हमारे पास है पी, पी को हम बोलेंगे फो फो। एम को हम बोलेंगे मो मो। एफ को बोलेंगे फो फो। उसके बाद दूसरी सेकंड लाइन डी हमारे पास मौजूद है, डी जब भी आएगा उसको बोलेंगे द द। टी जब हमारे पास आएगा टी को बोलेंगे थ थ। टी थ की साउंड देगा। एन एन को बोलेंगे न न। उसके बाद है ल ल। एल हमारे पास आएगा उसको बोलेंगे ल। फिर हमारे पास आएगा जी। उर्दू के अंदर जब हम जी को प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, जी को हम समझने की कोशिश करते हैं, जी को हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम काफ की आवाज़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जी के साथ हमारे जो साउंड आएगी वो आएगी काफ की। क जी को हम बोलेंगे क क। के को हम बोलेंगे ख ख ख। के साउंड देगा ख की। उसके बाद एच, एच साउंड होता है ख की, ख जैसे ख से खरबूजा ख। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जे, जे साउंड देता है ची की। क्यू साउंड देता है छी की। एक्स साउंड देता है शी की, ची छी शी। जेड एच जहाँ पे आता है वो साउंड देता है चिर चिर। सी एच साउंड देगा छिर छिर। एस एच साउंड देगा
शिर शिर आर जो है वो साउंड देगा रॉ रॉ रॉ। उसके बाद सेकंड लास्ट लाइन जेड जेड जहां पे आ गया आपने उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं ज़, ज़, जैसे आप उर्दू के अंदर या अरबी के अंदर हम देते हैं दाल के ऊपर जबर है और जाल के ऊपर जज़्म है। जज़्म से मुराद यह है कि अगले का साउंड जो है वो दब जाता है। दिज, दिज। उसके बाद है सी सी को हम कहते हैं थस, थस। एस एस को सा सा वाई वाई को बोलेंगे ई ई डब्ल्यू को बोलेंगे ओ ओ। लें जनाब ये थे कुछ इनिशियल्स जो समझने और पढ़ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे चाइनीज लैंग्वेज के स्टार्टिंग लेक्चर के लिए और स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप लेने के लिए कि हम आगे पढ़ सकें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टोन्स। लीजिए अब वक्त आ गया हमारे पास कि हम टोन्स को अंडरस्टैंड करें कि टोन्स क्या चीज़ हैं। हमने आपको याद होगा हमने पढ़ा कि पिनियन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक इनिशियल होता है, दूसरी टोन होती है और तीसरा जो होता है फाइनल होता है। अब हम आगे हैं टोन के ऊपर। टोन क्या चीज़ होती है? चार किस्म की टोन्स होती हैं चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले टोन जो होती है वो होती है फ्लैट टोन, उसको फर्स्ट टोन भी बोला जाता है, उसको फ्लैट टोन भी बोला जाता है। वो बिल्कुल सीधी टोन होती है, कोई भी करेक्टर होगा हमारे पास उसको जब हम बिल्कुल सीधा रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्लैट टोन, जिसके ऊपर ये सीधी लाइन लगी होगी। ये फ्लैट टोन जो है जब हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं कोई भी चीज़ बोलने की कोशिश करते हैं ये इस तरह से साउंड करती है जैसे एक ही लय में साउंड आ रही है। जिस जिस मकदार की साउंड शुरू हुई थी जब ख़त्म होगी तब भी उसी मकदार की होगी। उसके बाद हमारे पास दूसरी टोन आ जाती है सेकेंड टोन, जिसको हम राइजिंग टोन बोलते हैं। राइजिंग टोन से मुराद ये है कि जब भी कोई चीज़ कोई भी करेक्टर कोई भी वर्ड हम बोलते हैं उसकी आवाज़ आहिस्ता से अप की तरफ जाती है, आहिस्ता आवाज़ से ऊंची आवाज़ की तरफ जाती है। जैसे हम किसी को आवाज़ लगा रहे हों तो पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं और एकदम आवाज़ हमारी बुलंदी की तरफ चली जाती है। उसके बाद है जी थर्ड टोन, जिसको हम फॉलिंग और राइजिंग टोन बोलते हैं। राइजिंग में तो हमने देख दिया हमारी आवाज़ ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली फॉलिंग में क्या होगा, हमारी आवाज़ नीचे आ रही होगी। पहले आवाज़ नीचे आती है, नीचे आने के बाद आवाज़ फिर अपसाइड पर मूव करती है, इसको हम बोल देते हैं फॉलिंग और राइजिंग। फोर्थ टोन आ जाती है हमारे पास फॉलिंग। फॉलिंग के अंदर क्या होता है, हमारे जो साउंड होता है वो ऐसे होता है जैसे गिर रहा है या साउंड जो है वो हमारी ख़त्म हो रही है, एकदम ख़त्म हो रही है, जैसे आवाज़ दब सी जाती है, उसको हम बोल देते हैं फॉलिंग। ये चार टोन्स हमारे पास होती हैं, सिर्फ इन चार टोन्स के ऊपर पूरी चाइनीज लैंग्वेज जो है वो डिपेंड कर रही होती है। आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इन्हीं चार टोन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आप किस तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद अब इस जो टोन्स हमने पढ़ी हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन टोन्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये आप देख लें एम ए लिखा हुआ है, सारों पे एम ए लिखा हुआ है। एम ए के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट टोन हमारे पास है, इस वर्ड के ऊपर फर्स्ट टोन लगी हुई है, इसको हम बोलेंगे मा मा मा। आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने आवाज़ अपनी स्टार्ट की जिस टोन में थी जब मैंने ख़त्म की तब भी उसी टोन में थी। अब सेकंड की हम रिप्रेजेंटेशन दे लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं किस तरह से प्रोनाउंसिएशन है। रिप्रेजेंटेशन हमें सामने शो हो रही है यहाँ पे। अब हम इसको जब प्रोनाउंस करेंगे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, मा मा मा, हमारी आवाज़ जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो जाएगी। नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, नंबर थर्ड पे हमारे पास है थर्ड टोन जो है फॉलिंग और राइजिंग। फॉलिंग और राइजिंग हमारे पास टोन है
उस टोन को हम किस तरह से बोलेंगे, ये वाली फॉलिंग और राइजिंग। मा 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 के हमने पहले आवाज जो है वो नीचे लेके आए, फिर आवाज ऊपर लेके गए मा। अब आ गया हमारे पास लास्ट वन, इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगी। हम दे रहे हैं इसके ऊपर जो टोन है वो फॉलिंग टोन है, इसकी आवाज जो होगी वो कुछ इस तरह से निकलेगी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मा मा मा, मैंने बोलना शुरू किया, मेरी आवाज ऊंची थी और इतनी स्पीड के साथ ये डाउन होती है कि ऐसे लगता है कि हम माँ ही बोल रहे हैं, लेकिन मा मा की आवाज एकदम आपकी खत्म हो गई। उसके बाद ये माँ जो है ये क्वेश्चन वर्ड के लिए यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे, जब हम इसको यूज करते हैं उसको हम एज अ क्वेश्चन डील कर रहे होते हैं। ये चीजें हमें क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए चीजें दी गई हैं, आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, हमने पढ़ा था इनिशियल्स होते हैं, टोन होती हैं और फाइनल्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक वर्ड शुरू हुआ, बेसिक करेक्टर शुरू हुआ, जहाँ पे चाइनीज के साथ बातचीत करने के लिए एक जरिया बन जाता है हमारे पास। सबसे पहले इनिशियल, इनिशियल फर्स्ट वर्ड उसका इनिशियल कहलाता है, लास्ट वर्ड उसका फाइनल कहलाता है, और उसके ऊपर कुछ टोन है। अब एन है, एन ने ना की आवाज देनी है, आगे आई लगा हुआ है, आई के ऊपर जो टोन है वो फॉलिंग राइजिंग टोन है। हमारे पास टोन जो है वो फॉलिंग और राइजिंग टोन है। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है, प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। हम बोलेंगे नी नी नी, कि मेरी आवाज पहले नीचे जा रही है फिर आवाज ऊपर आ रही है। उसके बाद है आओ आओ, नी 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 का मतलब होता है तुम, यू। किसी को अगर मुखातिब करना है उसको हम कहेंगे नी, या किसी के बारे में बात करनी है हमने कहे हैं तुम। हाउ, हाउ का मतलब हमने पहले पढ़ा, गुड, अच्छा। नी, इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी कुछ इस तरह से होगी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक स्टोरी राइटर थे जिन्होंने स्टोरी लिखी, एक ही करेक्टर को यूज करते हुए उन्होंने डिफरेंट टोन्स का इस्तेमाल किया और इस पूरी स्टोरी का डिफरेंट मीनिंग निकला। जहां पे आप टोन चेंज कर देंगे किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी करेक्टर के ऊपर, वो मुख्तलिफ मतलब देगी, और दो मुख्तलिफ मतलब देने वाले जब टोन्स आपस में मिलेंगी उनका एक मतलब मुख्तलिफ हो जाएगा। ये ऐसे बताने वाली आपको चीज थी कि भाई आप टोन का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो फिर ही उसका मीनिंग अच्छे तरीके से निकलेगा। ये उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा इसको। काइंडली टाइम कंफर्म कर दे कब तक क्लास होगी। जी, ये कंक्लूजन है आज के लेक्चर का। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे। आज हमने नी हाओ नी हाओ नी हाओ तक हमने पढ़ लिया। नी हाओ का मतलब क्या होता है, नी हाओ को किस तरह से हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, ये इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आगे जो मजीद हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद लो आवाज आ है आप फिर उसके सबको नोट्स मिल जाएंगे, फिर बहुत उसके समझ नोट्स आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह सर ये हाफिज। स्लाइड्स मिलेंगी।